So hello again, Sherbani. Hi, Ishan. And so now I think today we'll start with parts of speech with verbs, and I think this will Yes. probably be our one of the most important videos in this series, right? Absolutely, absolutely. Because everything else that we will do later on, tense, voice, every other part of speech, so many things. This is basically the building block of a sentence. A sentence you'll remember we covered in the last video is a group of words with some complete meaning and which Action. denotes action. Yeah. And that action is denoted by these words which are called verbs, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं. बिल्कुल. So today we will look at verbs, their basic forms and types. And again, yes, a very, very important video because we will keep coming back to this या एब्सोल्युटली as we go forward. हाँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपने ये इफ अ स्टूडेंट ये वीडियो आपने अच्छे से समझ लिया वर्ब, तो देन लाइक हाफ द जॉब इज डन, आधा काम हो गया. आई फील Yes, that is true. That is true. But सही I है. mean, half the work is still work. It's a lot of श्योर work. श्योर, देन लेट्स So, गेट इनटू इट देन. या yeah. So as we said, verb is a word denoting action. जिस भी वर्ड से हमें पता चलता है कि ये काम हो रहा है इस सेंटेंस में, so I am talking, talk is the verb, and am talking से पता चलता है कि अभी as we speak बात कर रहे हैं. That is where tense comes in. तो tense भी हम थोड़ा सा आज कवर करेंगे, and best to do it practically. एंड जस्ट लाइक वन थिंग, यू Verbs. नो, आई आई रिमेम्बर वी यूज टू टॉक अबाउट दिस. एक बार एक्सरसाइज तुमने किया था कि यू आस्क द स्टूडेंट्स टू ट्राई टू मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, उस तरह का, जस्ट टू शो कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. या तो वो तो नहीं कर सकते हैं. वी हैव या सॉर्ट ऑफ लेट द कैट आउट ऑफ द बैग ऑलरेडी हियर. वी हैव सेड कि भाई सेंटेंस में वर्ब होता है हाँ, बिल्कुल. और सेंटेंस में एक्शन दिखाया जाता है, एक्शन वर्ब से होता है. बट यस, पॉइंट टू रिमेम्बर, देयर कैन नॉट बी अ सेंटेंस विदाउट वर्ब इन द रिटन फॉर्म. कॉन्वर्सेशन में वी हाँ कैन हैव वॉट आर अंडरस्टूड टू बी फुल सेंटेंसेस हाँ विदाउट अ वर्ब. जैसे फॉर हाँ एग्जाम्पल, यस एंड नो एंड थैंक यू ओके, ऑल एंड राइट थैंक ऑल राइट. हाँ, यू, रियली थैंक यू ठीक एज अ ठीक वर्ब. ठीक है. या कूल बट वो रियली एक्सेप्शंस हैं एंड कूल कूल कूल. रेस्ट ऑफ इट इज या यू नो अ चलिए फिर. सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड वट एवर एल्स देयर माइट बी. ठीक. वर्ब्स जो हम पढ़ते हैं उसके तीन मेन फॉर्म्स होते हैं. द बेस फॉर्म जैसे ईट, स्लीप, या टॉक, वॉक, सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. कहीं कहीं इसको हम लोग V1, V2, V3 बोलते हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या बोलते हैं. डिपेंडिंग ऑन द बुक दैट यू आर फॉलोइंग दे मे कॉल इट वन ऑफ दीज और सम अदर नॉमेनक्लेचर. बट बेसिकली चीज या वही है, द वही बेस फॉर्म, जो द सिंपल या पास्ट फॉर्म एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. वही जो गो तो वेंट गॉन ये सब. हाँ, लाइक ईट एट यस एट, यस, गो वॉक वेंट वॉक गॉन, वॉक एंड ऑल यस, ऑफ दैट. या गो वेंट गॉन, एब्सोल्युटली. तो उसका फॉर द स्टूडेंट्स आई हैव टू से देयर इज नो अदर गो, उसको याद करना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. सो एज अ बिगिनर यू शुड नो एटलीस्ट 30 to 40 वर्ब्स इन ऑल थ्री फॉर्म्स. या उसको हमने भी ऐसे ही पढ़ा है, उसको याद किया है, और एनी स्टूडेंट हाँ गोइंग फॉरवर्ड हैज टू या गेट इट बाय हार्ट इनिशियली, और देन एज यू इंक्रीज योर या वोकैबुलरी तो अपने आप बढ़ता हाँ. जाएगा. एंड आई फील लाइक विद इवन विद वोकैबुलरी, यू नो, द बेस्ट वे टू गेट थिंग्स इनटू योर हेड, यानी कि इज टू ट्राई टू यूज देम इन सेंटेंसेस. हर फॉर्म का आप क्या है एक सेंटेंस में बनाइए, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा. यस. पर अब जैसे गो वेंट गॉन एंड ईट एट ईटन, ये सब हम लोगों ने भी व्हेन वी हैव स्टडीड इंग्लिश इनिशियली उसको पहले याद किया है, और उसका एक रीजन है. एंड दैट्स अ नीट वे टू कम टू दिस. देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन टर्म्स ऑफ हाउ दे चेंज फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड टू थर्ड. तो काफी सारे वर्ब्स होते हैं जिसमें आप लास्ट में ईडी लगाते हैं. जैसे वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड, लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट, हेल्प, हेल्प, हेल्प. सो द बेस फॉर्म इज फॉर एग्जाम्पल टॉक, देन पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म इज टॉक प्लस ईडी, टॉक्ड. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज ऑल्सो टॉक प्लस ईडी.
काफी सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं इनको रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, बाकी जो है जो ऐसे सिंपली नहीं चेंज होते हैं उनको हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं. ईट इज एन इरेगुलर वर्ब एंड इट्स अ वेरी कॉमन वर्ब व्हिच इज वन ऑफ द इरेगुलर वर्ब्स. तो ईट से कंप्लीटली बदल जाता है, एट हो जाता है, फिर ईटन हो जाता है. गो इज ऑल्सो वन ऑफ देम, गो वेंट गॉन. तो इसलिए शुरू में थोड़ा याद कर लेना भी अच्छा है, बिकॉज if you turn it into ki go then go ed and go ed to wo nahi, that does not work for all the verbs in the language. So basic familiarity is good. Kisi bhi basic grammar ki kitab mein a list of 50-100 verbs aaram se mil jayenge. It's good for reference, unko rakhiye. Yaad nahi bhi kijiye to rakhiye. When you use it in a sentence to aapko pata hona chahiye ki correct form kya hai. Aur kuch kuch verbs ka change bhi nahi hoga na. Ha, I think yes. There are verbs which will not change. जैसे cut है, so cut is cut in all three. Read is also read in all three, but it is pronounced differently. उसको read red बोलते हैं, लेकिन cut को cut ही बोलते हैं. हाँ, this read thing causes a lot of confusions in the beginning, like read वाला चीज़. Yes, it does. That is only natural. That is only natural. तो इसको थोड़ा याद करें तो अच्छा रहेगा, और एटलीस्ट फॉर रेफरेंस साथ में रखिए, सो दैट यू कैन रेफर टू इट कि क्या हो रहा है. अब हम आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब में. अब इसमें हम लोग दो नए कॉन्सेप्ट गुजार रहे हैं अभी, दो या तीन. वन इज टेंस, वन इज पर्सन, एंड वन इज सब फॉर्म्स ऑफ टेंस. टेंस, the idea is very simple. It refers to the time of the action which is mentioned in the sentence. So sentence में जो काम बताया गया है वो किस समय में हुआ, ये हमको tense से पता चलता है. And then you have person, first person, second person, third person, जिसको संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कहते हैं. First person is I and B. Second person is you and all of you. Third person is everybody else. He, she, it, and they. English में दो ही है, singular और plural, एक वचन और बहुवचन. तो उसके हिसाब से हर tense में बदलता जाता है. Verb कैसे यूज होता है, एंड वी विल यूज द थ्री बेसिक फॉर्म्स, जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम बोल रहे थे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, द बेसिक सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. Yeah, I just wanted to add something ki wahan the easiest way, like you know, first person second is like first person jo bol raha hai, second person jo sun raha hai, and third person ki jiske bare mein baat ho rahi hai, it, he, she, they, whoever, like true in most cases. But sentence ka I and the speaker may not always be the same, that gets into a little bit of complications. But to just like I want to go home, that is not you, the speaker, for sure. Right, so but yeah, for the basic sentences it's good to say I is me bolne wala, you is jisko bola ja raha hai wo, or everything else is third person. Absolutely, yeah. So we have given here a few tables जिसमें हमने sentence भी दिया है और उसमें verb किस तरह से use होता है, what form, with what, ये आप इसमें देख सकते हैं. ये present tense का जो है हमारा chart है, इसमें आप देखेंगे simple present is straightforward, just first form of verb. So I walk, we walk, you walk, they walk, and he, she, it के साथ walks with an s. किसी किसी में es लगता है verb का, वो सब as per practice आपको देखना पड़ेगा. Simple present is जिसको साधारण वर्तमान काल बोलते हैं, normal present is. Present continuous is जो अभी हो रहा है, as we are speaking जो काम हो रहा है. So I am walking. So I के साथ am plus first form plus ing. We are walking. We are verb one and ing. You are walking. He, she, it is
वॉकिंग दे अगेन आर वॉकिंग. प्रेजेंट परफेक्ट इज अ टेंस जिसमें बताया जाता है कि अभी का ही है, वर्तमान काल का ही है, लेकिन वो काम जस्ट खत्म हो गया है. तो आई हैव वॉक्ड, वी हैव वॉक्ड, यू हैव वॉक्ड, ही शी इट हैज वॉक्ड एंड दे हैव वॉक्ड. तो मोस्टली जो है आई यू वी और दे का एक ही जैसा चलता है बाई एंड लार्ज, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी इट का उसका थोड़ा सा डिफरेंट है. सो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड. अ गुड थिंग फॉर स्टूडेंट्स टू डू एट दिस पॉइंट इज कि ये अपना चार्ट इस तरह का खुद से बनाएं, अलग अलग वर्ब्स के साथ, या यूज अ डिफरेंट वर्ब एंड मेक दिस चार्ट फॉर देमसेल्व्स. अगर खुद से बनाएंगे और लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू गेट योर ग्रिप ऑन इट. सिमिलरली फॉर पास्ट टेंस भूतकाल जो कि पार हो चुका है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. तो वर्ब टू जो है उसको हम सिर्फ सिंपल पास्ट में यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब. तो वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू कैन सी इट इन द चार्ट. आई वॉक्ड, वी वॉक्ड, यू वॉक्ड, ही शी इट वॉक्ड, दे वॉक्ड, सब ईडी है. सो दिस इज अ रेगुलर वर्ब, वॉक प्लस ईडी. पास्ट कंटिन्यूअस जब हम बात कर रहे हैं उस समय वो काम हो रहा था. सो आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था, रही थी. पास्ट कंटिन्यूअस आई वॉज वॉकिंग, वॉज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. वी वर वॉकिंग, वी प्लस वर प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी. यू ऑल्सो वर वॉकिंग. ही शी इट वॉज वॉकिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. दे वर वॉकिंग. पास्ट परफेक्ट है कि जब हम बात कर रहे थे उस समय वो काम ऑलरेडी खत्म हो गया था, तो वो पास्ट में भी थोड़ा सा पुराना है, जो काम है वो हो चुका है. तो आई हैड वॉक्ड, मैं चला था. कभी हैड प्लस द थर्ड फॉर्म. अभी वॉक में क्या है, वी टू एंड वी थ्री आर द सेम, वॉक प्लस ईडी. बट जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उसमें वी टू और वी थ्री अलग अलग हो जाएगा, तो दिस विल मैटर देयर. इसलिए हम लोगों ने ये छोटा सा फॉर्मूला जैसा यहाँ पे लिख दिया है, सो दैट यू कैन फॉलो इट. सो वी हैड वॉक्ड, यू हैड वॉक्ड, एवरीबडी हैड वॉक्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. फ्यूचर टेंस इज फेयरली सिंपल. जो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होते हैं उसी में आप will and will be add करते जाइए. Will for simple, will be for continuous and will have for perfect. और idea फिर से वही है, simple future is normal future tense. कल मैं school जाऊंगा is simple future. Future continuous is at the time of speaking, ये काम हो रहा होगा. और future perfect is a time जब future में ये काम हो चुका होगा. अगेन यू कैन सी हाउ इट वर्क्स. विल प्लस वी वन. शैल यूज किया जाता है कहीं कहीं अभी भी फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन, बट टू कीप इट सिंपल वी विल गो विथ विल. फ्यूचर कंटिन्यूअस इज विल बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी फॉर एवरीबडी. एंड फ्यूचर परफेक्ट इज विल हैव प्लस वी थ्री फॉर एवरीबडी. सो अगेन आई विल सजेस्ट कि स्टूडेंट्स अगर खुद से ये बनाएं चार्ट्स इस तरह के, तो इट विल बिकम वेरी सिंपल, उसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा एंड दैट विल टेक केयर ऑफ इट. जस्ट आई वांट थोड़ा सिंपलीफिकेशन है कि जैसे कंटीन्यूअस में हमेशा आईएनजी आ जाएगा फॉर वी1 के साथ. और कंटीन्यूअस बेसिकली मींस जो एक्शन हो रहा है, वेदर लाइक यू नो यू आर टॉकिंग इन पास्ट प्रेजेंट और इन द प्रोसेस. इन द प्रोसेस. और परफेक्ट इज लाइक द एक्शन इज परफेक्टेड, कि खत्म हो गया है बेसिकली. एक्शन हैज बीन लाइक कंप्लीटेड, ओवर एंड डन विद. तो ये हमने पहले भी एक दिन बात की थी, बट आई विल रिपीट अगेन. सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश इज नॉट द वे इट इज इन हिंदी. हिंदी में हम वर्ब हमेशा एंड में लगाते हैं, जो कि हम इंग्लिश में ऑलवेज नहीं लगाते हैं. जो हमने यहाँ पे चार्ट्स में यूज किए, दीज आर रियली सिंपल सेंटेंसेस. एकदम छोटा सा सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एंड दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी. तो इसलिए वर्ब यहाँ पे सेंटेंस के एंड में आ रहा है.
लेकिन एज वी गो इन टू मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो ऐसा नहीं होगा इंग्लिश में, और ये चीज हमेशा याद रखनी है, सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब उसके बाद आएगा, जो कि हिंदी में हम लोग घुमा फिरा के बोल देते हैं और मीनिंग ठीक रहता है, ग्रामर के हिसाब से वो गलत नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में अगर वर्ब पहले बोल देंगे, सब्जेक्ट बाद में बोल देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट चूंकि हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमको कहना ही पड़ेगा। तो किसी भी क्रिया का आप सोचिए, आपके मन में एक देर इज अ पिक्चर कि वो क्या हो रहा है। इफ आई से समबडी इज रनिंग, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर होता है कि कोई दौड़ रहा है, और जो दौड़ने का मोशन है वो आपको समझ में आता है, दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि वो दौड़ रहा है। अब रन जो वर्ब है उसको सिर्फ रनिंग बोलने से ही, और ही इज रनिंग अगर हम बोल दें, तो वो आपका जो मेंटल पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है कि हाँ भाई दौड़े, कहीं भी दौड़ रहा हो, घर के अंदर हो, बाहर हो, पार्क में हो, दैट इज इमटीरियल, बट जो एक्शन है वो समझ में आ जाता है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं इंग्लिश में जिसमें सिर्फ वर्ब बोलने से वो चीज नहीं समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल कैरी, ही इज कैरिंग, इफ आई से, तो इमीडिएटली आपके मन में आता है कि कैरिंग वॉट, कौन सी चीज लेके जा रहा है, राइट? और इसमें इस तरह के वर्ब्स को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, जिसमें कुछ और की जरूरत होती है फॉर कंप्लीटिंग द मीनिंग। सो वी कीप कमिंग बैक टू दैट आइडिया ऑफ कंप्लीट मीनिंग। अब जैसे ब्रिंग है, इफ आई से आई एम ब्रिंगिंग, तो आई एम ब्रिंगिंग व्हाट। इसमें इसलिए भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि अलग अलग चीजों को लाने का एक्शन दूसरी तरफ से हो जाता है। तो या तो आप, इफ यू आर ब्रिंगिंग अ ट्रे, तो आप हाथों को ऐसा रखेंगे और उसको ऐसे ट्रे उसके ऊपर से लेके जाएंगे। बट लेट्स से इफ यू आर ब्रिंगिंग अ हेवी यू नो बॉक्स, तो आप उसको नीचे से पकड़ के ऐसे ऊपर उठाएंगे, तो वो एक्शन डिफरेंट हो जाता है। अगर आप थैला लेके आ रहे हैं तो आप हाथ में पकड़े हुए हैं, आपके पैर के पास होगा। तो जब तक व्हाट का आंसर नहीं आता है कि आई एम ब्रिंगिंग व्हाट, तो आपका जो मेंटल पिक्चर है वो करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग तरह की ब्रिंगिंग में अलग अलग तरह का एक्शन होता है। तो इस तरह के जो वर्ब्स हैं, दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब्स, इसको जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं तब तक इसका जो मेंटल पिक्चर है वो क्लियर नहीं होता है, उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक कैच, थ्रो, यानी अगर कुछ पकड़ रहे हैं तो कुछ तो पकड़ रहे होंगे, और अगर कुछ फेंक रहे हो तो कुछ तो फेंक रहे होंगे। या अब क्रिकेट का कैच और घर के अंदर का कैच में बहुत फर्क हो सकता है। तो वी हैव टू से कि कैचिंग व्हाट, तो उस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो चीज क्या है वो बताना जरूरी है, जिसके हेल्प से वो एक्शन कंप्लीट हो रहा है। दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है, और वो चीज ऑब्जेक्ट है, उस चीज को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो चीज ऑब्जेक्ट है। तो इसको ग्रामर की किताबों में लिखा जाता है कि द एक्शन मूव्स फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, कि जो क्रिया है, जो काम है, वो कर्ता से कर्म को जा रहा है, करने वाला कर रहा है, लेकिन The action is completed in this other thing. और वो चीज ऑब्जेक्ट है। अब इसमें भी this is practice, ये बोलना आसान है, और इसका the trick that I have for understanding this is कि English के जो verbs हैं उनका meaning बहुत specific होता है। तो you have to understand कि उस particular verb का meaning क्या है, है ना? जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हंस रहा है, फॉर हंस रहा है इन इंग्लिश यू हैव सो मेनी वर्ड्स, है ना? द लाफिंग है, गिगलिंग है, चकलिंग, एन नंबर ऑफ अदर वर्ड्स, है ना?
तो इस तरह से जो है तो ईच वर्ब ईच वर्ड इन इंग्लिश आपको वो पता होना चाहिए कि उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है. देन यू कैन थिंक अबाउट वॉट दैट एक्शन लुक्स लाइक और फिर आपको पता चलेगा कि उस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक और वर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए. राइट. जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उसको इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं. जैसे हमने एग्जांपल दिया रनिंग का, उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए. अब बिकॉज नथिंग इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, देर आर वर्ब्स विच कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. सेंटेंस में जिस तरह से यूज किया गया है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है. फॉर एग्जाम्पल रीड, रीड इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ब विच इज बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन यूजेज. तो इफ आई से आई एम रीडिंग तो लोग समझ जाते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं एंड दैट इज अंडरस्टूड. But you can say, I am reading a book, a newspaper, something on the web. So depending on how you are using it, वो transitive भी हो सकता है, intransitive भी हो सकता है. There are very few verbs जो कि intransitive ही होते हैं, जो कि transitive नहीं हो सकते. उसका एक good example is the verb dying. A little morbid, but you cannot have a transitive use of dying. And a lot of verbs are always transitive. Jaise bringing, throwing, pushing, pulling. Nahin, pushing, pulling you can use as intransitive also. Okay. Casually. But mostly they are used in the transitive sense. I think that's enough about verbs. And again, these are themes we will keep revisiting again and again. Yeah. And for students, I will say, please practice. Charts banaiye apne hisab se. Write as many sentences as you can. Try to go a little complicated. Kaise hota hai, kya hota hai. And have some reference material ready, jahan aapko verbs ke three forms मिलते रहे. इफ यू कैन रिमेम्बर देम वेल एंड गुड, इफ यू कांट रिमेम्बर देम देन आप उसको बुक से रेफर कीजिए. बट डोंट गेस, अगर ये एकदम ही नया वर्ब है तो गेस वर्क थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, फिर एग्जाम में गलती होती है. ठीक. ऑल राइट देन शेरवानी, थैंक यू एंड सी यू अगेन. यस, सी यू.